हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। तो ये जर्नल एंट्रीज वाला सम होता है। तो अब इधर क्या दिया है मालूम है क्या? एक बैलेंस शीट है। तो इधर कैसे मालूम पड़ेगा कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है? इधर टेबल के नीचे या ऊपर दिया रहेगा, कंपनी एक्साइज दी ऑप्शन टू रिडीम, रिटर्न कर रही है। क्या रिटर्न कर रही है? प्रेफरेंस शेयर्स। और रिटर्न भी कैसे कर रही है? 10% प्रीमियम में। कैसे? 10% प्रीमियम। तो ये टेबल में देखने का, प्रेफरेंस शेयर 13,50,000 है। कितने का शेयर है? 10 का, मतलब फुली पेड अप। ओके, अगर पार्टली पेड अप रहेगा तो दो एंट्री ऊपर एक्स्ट्रा आएगा। तो 13,50,000 पे 10% क्या दे रही है कंपनी? प्रीमियम। तो पहले याद करो आपको कि चार एंट्री तो फिक्स वाना ही है। पहले ड्यू की एंट्री आएगी, किसकी? ड्यू। फिर CRR, प्रीमियम पेमेंट, है ना? ड्यू, CRR, प्रीमियम पेमेंट। ओके, तो ड्यू में क्या करेंगे? कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिटर्न कर रही है, तो शेयर्स आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लिखेंगे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो अमाउंट डायरेक्ट दिया ला 13,50,000, इधर लिख देंगे 13,50,000। कंपनी इतना शेयर रिडीम कर रही है, और फिर प्रीमियम भी दिया है ना इधर। तो प्रीमियम कितना दिया? 10%। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे। 10% किस पे निकालेंगे? ये वाला अमाउंट पे। कितना परसेंट निकालेंगे? 10%। 13,50,000 पे कितना परसेंट? 10। तो 1,35,000, 1,35,000। तो प्रीमियम को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि प्रीमियम में एक्सपेंस होता है, कंपनी ज़्यादा पैसा दे रही है, राइट? तो इधर लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। किसको देने का कंपनी को पैसा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो टोटल करके अमाउंट कितना डाल देंगे? बाहर डाल देंगे, राइट? 14,85,000 इतना अमाउंट पे करना है। किसको पे करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो कैसे लिखेंगे? बिंग पेबल ऑन रिडेम्पशन, बिंग पेबल ऑन रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन है प्रेफरेंस शेयर्स, उसके ऊपर प्रीमियम देना है। किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये फर्स्ट एंट्री फिक्स है। अभी देखेंगे कंपनी ने क्या बेचा है, इक्विटी शेयर बेचा है कि इन्वेस्टमेंट बेचा है। तो बेचेगा तो बैंक डेबिट करेंगे, ओके। तो इधर बोला है फॉर दिस पर्पज, इसके लिए कंपनी ने इशू किया। इशू मतलब बेचा, कितना शेयर बेचा? 67,500 राइट शेयर, मतलब एक शेयर इशू किया 10 रुपीज़ का, और उस पर प्रीमियम भी 10 रुपये लिया। प्रीमियम भी कितना लिया है? 10 रुपये। तो कंपनी शेयर्स बेचेगी तो शेयर जाएगा, तो इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे इधर? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि शेयर जा रहा है, तो शेयर जाएगा तो पैसा आएगा ना, तो बैंक को डेबिट में लिखेंगे। बैंक को क्या करेंगे? डेबिट में। और कंपनी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रही है, तो कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम फायदा हो रहा है, इसके लिए क्रेडिट में आ जाएगा। तो कंपनी ने कितना शेयर बेचा? 6 7, इधर लिखेंगे 67,500, 67,500। एक शेयर कितने का था? 10 का था, तो 6,75,000 आएगा, और 10 रुपये प्रीमियम लिया है। नॉट 10%, 10 रुपीज़ पर शेयर, 10 रुपीज़ पर शेयर। अगर 10% बोला रहता तो इस पर 10% आता ना, 10 रुपये प्रीमियम, तो सेम अमाउंट आ जाएगा, है ना? 6,75,000। अभी दोनों को क्या कर देंगे? ऐड करके अमाउंट डेबिट में डाल देंगे, राइट? तो 13,50,000 कंपनी के पास आ रहा है। कैसे आया? शेयर्स बेच के उसके ऊपर प्रीमियम लेके। बींग कैश रिसीव, क्या लिखेंगे? बींग कैश, और बींग न्यू शेयर इशू, बींग न्यू शेयर इशू। तो पैसा आया, शेयर गया। अभी इधर आगे बोला है इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 5,13,000। इन्वेस्टमेंट 4,05,000 का था, कितने का था? 4,05,000। और कितने का बेचा? 5,13,000। तो फायदा हो गया ना कंपनी को, तो प्रॉफिट हो गया, राइट? तो जो 1,08,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट बेच रहा है। तो इधर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जाएगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। और फायदा हो गया ना, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है? लॉस होगा तो डेबिट में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट कितने का था? 4,05,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,05,000, तो इन्वेस्टमेंट 4,05,000 का था, और बेच के कितना है? 5,13,000 आया। सोल्ड मतलब पैसा आया, तो 5,13,000 हमने वैल्यू रिसीव की, तो कितना फायदा हुआ? 1,08,000। बींग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बींग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये दो एंट्री फिक्स है, बैंक डेबिट होगा। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे CRR कि घर से कितना रुपया लेंगे, राइट? घर से कितना रुपया लेंगे? तो ये वाला सम वो था व्हेन इक्विटी शेयर इशू इज नॉट गिवन। तो मैं कट कर देता हूँ, अभी इसमें अपने को इक्विटी शेयर दिया है। जब इक्विटी शेयर नहीं दिया रहेगा तो टफ हो जाएगा सम। तो प्रेफरेंस शेयर्स, अपने को प्रेफरेंस शेयर्स का कितना रुपया देने का? 13,50,000। प्रेफरेंस शेयर्स का कितना देने का? 13,50,000। और इक्विटी बेच के कितना रुपया है? इधर देखो ना, इक्विटी 6,75,000 है ना, प्रीमियम नहीं लेने का। इक्विटी बेच के कितना है? 6,75,000। तो फ्रेश इक्विटी इशू 6,75,000 लेंगे। तो अपने को देने का था 13,50,000, जिसमें तो इक्विटी से कितना बंदोबस्त किया? 6,75,000। तो कम कितना बड़ा? 6,75,000।
ये कम कहाँ से उठाएंगे हम लोग, यहाँ से उठाएंगे जनरल रिजर्व या तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने क्या क्रिएट किया, सीआरआर। क्या क्रिएट किया, सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अ टाइप ऑफ रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर रिडेम्पशन इन प्रेफरेंस शेयर्स। तो 675,000 क्रिएट किया। तो ये पैसे का बंदोबस्त कहाँ से उठाएंगे, या तो जनरल रिजर्व या तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो इधर देखो प्रॉफिट एंड लॉस में 13,50,000 है, बहुत पैसा है। जरूरत कितना अपने को, 675,000। तो हमने 675,000 बोरो किया, ले लिया। कहाँ से लिया, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो रिजर्व लिखेंगे उसका नाम डेबिट में आएगा और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को क्रेडिट में डाल देने का, है ना। तो हमने क्या किया, ये 13,50,000 का सेटलमेंट कर दिया, राइट। अभी प्रीमियम कितना देने का, 1,35,000। ये डेबिट है ना, प्रीमियम और रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर डेबिट है ना, तो इसको क्रेडिट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्रेडिट। 1,35,000 कितना लिख देंगे, 1,35,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में देखो 40,000 है, मतलब कम है। तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से सेटल नहीं करेंगे, प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस से उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कम पैसा है ना, देना है 1,35,000 पर प्रीमियम में सिर्फ 40,000 है। तो हम कहाँ से सेटल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेबिट था तो क्रेडिट में लिख दिया, और कहाँ से सेटल किया, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो कितना सेटल किया, 1,35,000 जो प्रीमियम देने का था वो दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भी अपना क्या हो गया, टेंशन खत्म हो गया। अभी पेमेंट किसको करने का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितना पेमेंट करने का, 14,85,000। तो एंट्री क्या है, पेमेंट करेंगे तो पैसा जा रहा है, किसको पैसा जा रहा है, शेयर होल्डर को। कौन से शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस। ये क्रेडिट है ना, इधर आके इसको डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। इधर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्या लिख देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। क्या कर रही है, पेमेंट। तो पैसा जा रहा है, पैसा गया और शेयर होल्डर को मिला। तो ये अमाउंट लिखते हैं 14,85,000। पर अभी ये वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर क्या बोला है, कहानी क्या गई, ऑल द पेमेंट वेर मेड टू द प्रेफरेंस होल्डर। सबको दिया, पर एक पर्सन, एक बंदा था, कंपनी को धोखा दिया था उसने, 675 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। उस वॉज नॉट ट्रेसेबल, मतलब उसने कंपनी को शुरुआत में इतना पैसा नहीं दिया। अब जब कंपनी शेयर का पैसा बांटेगी तो सबको पूरा देगी, इसको नहीं देगी ना, तो कंपनी का इतना पैसा बच जाएगा। तो कैसा अमाउंट निकालेंगे, नॉट ट्रेसेबल। तो कितना शेयर था उसके पास, 75। और एक शेयर कितने का था मालूम है क्या, 10 रुपये का। एक शेयर 10 का देगी, सौ का 10 का, तो एक शेयर 10 का था, राइट। तो इंटू 10 करेंगे, इंटू क्या करेंगे, 10। तो कितना रुपया शेयर हो गया, 6,750। और फिर कंपनी प्रीमियम भी तो दे रही थी 10%, सबको 6 पानी पूरी की था सूखा दी, जब इसको पानी पूरी भी नहीं था तो सूखा भी बचेगा, तो 10% प्रीमियम बच रहा है। तो 10% इस पे ऐड करेंगे, किस पे, इस पे। तो 10% कितना आ जाएगा, 675। अभी दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। मतलब कंपनी ने इतना पेमेंट नहीं की है, क्यों नहीं की, क्योंकि उसने कंपनी को शेयर होल्डर्स ने स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं किया था। तो 7,425। तो अपने को टोटल देने का था, कितना देने का था, 14,85,000। कितना देने का था, 14,85,000 देने का था। तो 14,85,000 में से 7,425 कम कर देंगे, मतलब इतना कम करके देंगे, इतना क्या करके देंगे, कम करके। तो माइनस 14,85,000, तो आया 1,477,575। तो ये अमाउंट हम लोग पे करेंगे, कितना आया, 14,77,575। तो जबकि हर समय ये पे करते थे ना, अभी हमने क्या किया, सेम अमाउंट नहीं लिखा, क्योंकि कुछ कॉल का पैसा नहीं आया था। तो वो शेयर्स कितने देते थे, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था, 10 था, और ऊपर से प्रीमियम भी था, क्या था, प्रीमियम। तो कंपनी ने इतना पेमेंट रोक दिया, तो टोटल सबको दिया, इसमें से जल अमाउंट माइनस करके यहाँ डाल देने का, ठीक है। इस तरह का तुम्हारा टाइप का समझा, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मस्त में स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।